بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. रंगरेज की आवाज करे झूठ को बेनकाब, सलाखों में होंगे गुनेगार, हमारे कैमरे में ही जुल्म करने वाला अधिकारी, अब मिलेगा इंसाफ, खबर शत प्रतिशत सच, देखते रहिए रंगरेज की आवाज। तशरीफ फरमा, लोकसभा इलेक्शन के शहर के कैंडिडेट जनाब प्रकाश अंबेडकर जी और विंचित अघाड़ी के तमाम ही कार्यकर्ता, तमाम जिम्मेदार और अकोला शहर के तमाम ही वासियों, मैं आपके सामने बहुत देर तक इसलिए भी नहीं खड़ा रहूंगा कि हमें साहब को सुनना है और मैं औरंगाबाद से सिर्फ प्रकाश अंबेडकर जी की मोहब्बत ही में यहाँ तक आया हूँ, क्योंकि मैं अंबेडकर जी को कई सालों से जानता हूँ और उनका जो ताल्लुक खास तौर पर मुसलमानों के साथ में हर पेचीदा घड़ी में जिस तरह का रहा है, वो ताल्लुक और वो उनके काम और वो उनके मशवरे और मुसलमानों के सिलसिले में उनके दिल में हमदर्दियां और इस अकलियती तबके के सिलसिले में उनका वसी और कुशादा दिल और फिर मुसलमानों की तालीम और मुसलमानों के सिलसिले में उनके पास में दर्द, गम, कुड़न और फिर सियासत के मैदान में उनके लिए इस तरह के सबक कि तुम सियासत के मैदान में आते जाओ और अपने वजूद को लोगों के सामने जाहिर करते रहो, ये उनका जज्बा। दरअसल मैं उनके इस जज्बे को सर सलाम करता हूँ। मैंने देखा है ये बहुत सारे मामलात वो हमारे सामने आए, वो तमाम मामला जिनका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उनसे जुड़े हुए हैं। मैं आपसे साफ कहता हूं और बताता हूं कि जहां टेपू सुल्तान का मामला आया तो साहब उसके लिए खड़े हुए, जहां औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मसला उठा वहां पर इन्होंने जवाब दिया और फिर उनके कब्र पे जाकर जियारत भी की, तो लोगों को बहुत बुरा लगा कि औरंगजेब के मजार पे प्रकाश अम्बेडकर साहब कैसे गए। इसी तरह आपने, हमारे एक साथी ने जिक्र किया कि पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिसने गुस्ताखी की उसके लिए आपने जो कोशिश की कि एक पैगम्बर बिल वो दाखिल किया और ये उसके अंदर लिखा कि किसी भी मजहब के किसी भी बड़े आदमी के साथ में कोई भी किसी तरह की ज्यादती और उनकी हक तलफी करता है तो उसको सीधे जेल भेज देना चाहिए। इस सिलसिले में हमने सरकार वहाँ औरंगाबाद में इस्तकबाल भी किया है। मैं आपसे सिर्फ दो ही बातें कहना चाहूंगा, उससे ज्यादा बातें इसलिए करने की जरूरत नहीं है कि सबसे अहम बात तो ये कि जो तारीख यहाँ अकोला शहर के लिए वोटिंग की तारीख तय की गई है कि वोट देना हर शख्स अपने ऊपर फर्ज करार दे, एक आदमी भी ऐसा न छूटने पाए कि जिसने वोट न दिया। इस तरह से हम दिनों रात में पांच मरतबा फर्ज नमाज पढ़ते, इन पांच मरतबा फर्ज नमाज दिनों रात में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
पांच साल में तीन मरतबा वोट देना भी फर्ज है। एक तो पार्लियामेंट के इलेक्शन के मौके पर, दूसरे रियासती सतह पर जो इलेक्शन होते हैं उस मौके पर, तीसरे आपके शहर के सतह पर जो इलेक्शन होते हैं कॉरपोरेशन के या फिर नगर सेवक के उस मौके पर। ये तीन फर्ज को आप ऐसा समझिए जैसे कि हम नमाज पढ़ते। मैं आपको एक शरई मसला बताता हूँ। शरई मसला ये कि अगर कोई शख्स, और यहाँ जितने लोग बैठे, अंडर सीजन भी चल रहा है मक्के मुकर्रमा जाने का, उमरा करने का, बहुत से लोग सफर भी कर रहे हैं, मैं उनके सामने एक दरखास्त रख रहा हूँ कि तारीख उमरा करने की इधर से उधर हो सकती है, वो उसमें तकदीम और ताखीर हो सकती है, इसलिए कि उमरा करना वो नफिल है, कोई फर्ज नहीं है। आप उसको लेट कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग का जो दिन है और उस दिन अगर हम वोट नहीं देंगे तो हम जो नुकसान उठाएंगे वो नुकसान की भरपाई कभी भी नहीं हो सकेगी। क्या आप चाहते हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि हमारा जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तब्दील हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में जो सेकुलरिज्म बाकी है और जिस तरह से हर पांच साल में इलेक्शन होते हैं, वो लोकसभा के हो या जो है आपके रियासती सतह के हो, या इस मौके पर ये न हो और बंद हो जाए और लोकशाही इस मुल्क में चलती रहे, क्या ये आप चाहते हैं? अगर नहीं चाहते तो फिर हमारे इस वोट को ऐसे शख्स के हक में इस्तेमाल कीजिए जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखता है, जो जालिम का हाथ पकड़ सकता है, जो मजलूम की मदद कर सकता है, जो गरीब है, जो लाचार है, जो मजबूर है, जो पस्त तबके के हैं, उन लोगों को वो ऊपर उठाने की शक्त रखता है, ऐसे लोगों की जो मदद करता है। क्या देखा कि ये दूसरा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला कि वो अब शायद हमारे वोटिंग को और सेकुलरिज्म की जहनीत ही को खत्म करने पे तुला है, और वो ये चाहता ही नहीं कि अब इसके बाद भी कहीं वोटिंग की जाए और हमारे हिंदुस्तान में जो है ये सेकुलरिज्म बाकी रहे, बल्कि शायद इसका जो है पूरा जाब्ता, पूरा आईन वो तब्दील कर दिया जाए। क्या हम ये चाहते हैं? क्या हम ये नहीं चाहते कि हर पांच साल में हम वोट देते रहे? याद रखिए, अगर ये गलती हमने कर ली, याद रखिए कि अगर ये गलती हमसे हो गई, और अगर खुदा ना करे, अल्लाह हजार बार न करे, अगर ऐसा हो गया कि वोट का हक हमारा छीन गया, आईन अगर तब्दील हो गया, मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं तारीख का विद्यार्थी हूँ, तारीख पढ़ता हूँ और तारीख को समझता हूँ और तारीख की रोशनी में लोगों को जांचने की कोशिश करता हूँ कि याद रखिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर हमको इसी जगह पर, जिस जगह पर आज हम हैं, उस जगह पर आने के लिए हमको 100 साल से ज्यादा लग जाएंगे, तब जाके शायद हमारा बोल इस सतह पे आएगा। इसलिए इस गलती से बचे रहे, और मेरी गुजारिश है आपसे कि आपकी शहर की जानी मानी मशहूर और एक पढ़े लिखे घर का होशियार और बहुत यानी जीरत किस्म का आदमी, वो यहाँ का जो है कैंडिडेट है। मैं एडवोकेट जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को जिताने की और असेंबली में आपके वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जो है उनको भेजने की आप कोशिश करें और कोई कसर न छोड़े, ये मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ। इसलिए कि उठ कि अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज है, उठ कि अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ो मगरिब में तेरे दौर का आवाज है।